साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे। सिर पर चांदी का मुकुट, गले में फूलों की माला, हाथ में माइक और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, ये है मुलायम सिंह यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी, अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव, जो इन दिनों मैनपुरी में गांव-गांव घूमकर अपनी मां के लिए पसीना बहा रही हैं। इससे पहले भी आपने अदिति को मां डिंपल यादव के लिए प्रचार करते देखा होगा, लेकिन शायद ये पहली बार है जब अदिति यादव मंच पर आई। उन्होंने बकायदा माइक हाथ में थामा और बोलना शुरू किया तो मैनपुरी की जनता एक तक सुनती रह गई। तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे। अदिति यादव ने मैनपुरी की जनता से अपनी मां के लिए वोट मांगे, साथ ही लोगों से 7 मई के दिन साइकिल पर बटन दबाने की अपील कर दी। अदिति यादव के संबोधन से पहले उनका गांव वालों ने दिल खोलकर स्वागत किया। अदिति के गांव में कदम रखते ही पहले तो उनको फूलों की माला से लाद दिया गया, फिर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि मैनपुरी में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी सीट नेताजी के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद यहां हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी। इस समय मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में डिंपल यादव को जिताने के लिए पूरे यादव परिवार ने अपनी ताकत लगाई हुई है।